हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। सो मैंने स्टार्ट किया है ग्रुप थ्योरी की वीडियोस, जिसमें हमने सबसे पहली वीडियो में डिस्कस किया है नंबर थ्योरेटिक फंक्शन। ठीक है, नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस। इस नंबर थ्योरेटिक फंक्शन में मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है सबसे पहले फाई फंक्शन, टाओ फंक्शन, सिग्मा फंक्शन। इनसे रिलेटेड वीडियोज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, विच इज़ कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो एन। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो एन हम डिस्कस कर रहे हैं। कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो एन में हम डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी। दूसरा, हम डिस्कस करेंगे दो तरीके के कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो होते हैं। एक तो होता है लीनियर कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो, एक होता है साइमल्टेनियस कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो। ये पढ़ेंगे। लीनियर को सॉल्व करने के लिए इंस्पेक्शन मेथड या बाय थ्योरम कर सकते हो। मैं आपको इंस्पेक्शन मेथड बताऊंगी। साइमल्टेनियस को सॉल्व करने के लिए, जो आपके पास कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो दो या तीन ऐसी क्वेश्चन में लिखे जाएँ, तो उनको साइमल्टेनियस कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो कहते हैं। ठीक है, तो ये साइमल्टेनियस को सॉल्व करने के लिए हम इंस्पेक्शन मेथड से भी कर सकते हैं, और फिर या फिर चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो एन। कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो एन, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो एन। सो इसमें क्या है, इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका यूजुअली होता है ए एक्स ट्रिपल बार बी मॉड्यूलो एन। इसका मतलब ये होता है कि ए एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाय एन, और यू कैन से एन डिवाइड्स ए एक्स माइनस बी। ठीक है, सो वो वैल्यू एक्स की जिसके लिए ये एन पूरा ए एक्स माइनस बी को डिवाइड कर दे, दैट एक्स इज कॉल्ड सॉल्यूशन। एक्स इज कॉल्ड दी सॉल्यूशन। क्लियर है? तो हमें काम यही करना है, जब भी हमें कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो में लीनियर इक्वेशन दी जाती है, तो वो एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं जिसके लिए ए एक्स माइनस बी आपका फुल्ली एन से डिवाइड हो जाए विदाउट पुटिंग एनी ऑफ द रिमाइंडर। तो ऐसे इक्वेशन को हम कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो एन के अंदर पढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो एन है, ए है, एक्स बी है, ये सारे के सारे आपके इंटीजर नेचर के होते हैं। तो जिसकी डेफिनेशन आ जाती है वो ये आ जाती है कि इफ़ एन ए एंड बी आर, इफ़ ए एन बी आर इंटीजर्स, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, आर पॉजिटिव इंटीजर्स, देन ए एक्स ट्रिपल बार बी मॉड्यूलो एन, वेयर एन डिवाइड्स ए माइनस बी और ए एक्स माइनस बी। ठीक है, तो ये आपकी हो गई डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो। अब इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, पहली प्रॉपर्टी इसकी होती ही ये है कि अगर जी सी डी ऑफ ए और एन आपका वन आए, तो इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर इफ दिस इज नॉट इक्वल टू वन, देन इट हैज़ मोर देन वन सॉल्यूशन। आपको इसके मतलब ए और एन के जी सी डी से भी पता चल जाएंगे कि इनके पास एक सॉल्यूशन है या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है। क्लियर है? अब जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, वी कैन यूज इंस्पेक्शन मेथड टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, अदरवाइज वी कैन यूज़ दी थ्योरम टू फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है 3x ट्रिपल बार 6 मॉड्यूलो 9। यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड करके बतानी है कि इसके सॉल्यूशन की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो जी सी डी है 3 और 9 का, विच इज़ नॉट इक्वल टू 1, सो इट हैज़ सॉल्यूशन। इट इज़ नॉट हैविंग अ यूनिक सॉल्यूशन, बट इट हैज़ मोर देन वन सॉल्यूशन। 3x सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, 3x माइनस 6 बाय 9, एक्स की वैल्यू माइनस 1 पुट करिए, तो 3 माइनस 1 माइनस 6 बाय 9, इट इज़ माइनस 9 बाय 9, इट इज़ फुल्ली डिविजिबल, सो हैंस वी कैन से x माइनस 1 इज इट्स वन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट x की वैल्यू अब क्या डाल सकते हो, x की वैल्यू 1 डालोगे तो ये डिवाइड नहीं करेगा। फॉर x इक्वल टू 1 दिस विल नॉट डिवाइड, क्योंकि क्या हो जाएगा, 3 माइनस 6 बाय 9 डिवाइड नहीं करेगा। इसी तरीके से x की वैल्यू 2 डाल के देखिए तो क्या हो जाएगा, 3 टू जो 6 माइनस 6 सो 0, तो ठीक है 0 मतलब 0 बाय 9 इज 0 इटसेल्फ, सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट x इक्वल टू 3 डाल के देखेंगे तो 9 माइनस 6 इट डज नॉट डिवाइड। इसी तरीके से आप x इक्वल टू 4 डाल के देखेगा तो 4 3 जो 12 माइनस 6 6 बाय 9 डज नॉट डिवाइड। x की वैल्यू 5 डाल के देखेगा तो 5 3 जो 15 माइनस 6 11 बाय 9 इट डज नॉट डिवाइड। इसी तरीके से सो ऑन 9 तक डाल के x की वैल्यू 6 डालेंगे, 18 माइनस 6 बाय 9 इट विल बी योर 12 बाय 9 इट विल नॉट डिवाइड। इसी तरीके से नेक्स्ट डालोगे x इक्वल टू 7, 7 3 जो 21 माइनस 6 बाय x इज़ नॉट डिवाइड, मतलब x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 7 हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट देखो x की वैल्यू 8 लोगे तो 3x माइनस 6 बाय 9, 8 1 जो 8 और 6 24 माइनस 6 बाय 9 इज़ हाउ मच, 18
18/9, तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसके दो सॉल्यूशंस आ गए, एक आ गया एक्स इक्वल टू -1 पे और एक आ गया एक्स इक्वल टू 0 पे और एक आ गया एक्स इक्वल टू 8 पे। इन तीनों वैल्यूज़ पे हमें फुल्ली यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये इनके सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। सो ये जो हमारा क्वेश्चन था 3x(6)^9, तो इसमें जो इसके सॉल्यूशंस होंगे वो ये इसके सॉल्यूशंस बनेंगे। आई होप ये क्लियर होगा। तो दिस इज़ कॉल्ड एज योर इंस्पेक्शन मेथड। 7x(2)^3 में वैल्यू डाल के देखना। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन होगा या मोर देन 1। तो GCD ऑफ 7 and 3 is 1, तो इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। फिर वही 7x-2/3, सो x की वैल्यू डाल के देखोगे, x इक्वल टू 1 डालोगे तो 5 आ जाएगा। सो 3 डज नॉट डिवाइड 5, ठीक है, x इक्वल टू 1 नहीं हो। x इक्वल टू 2 डालोगे, 7 2 14 -2/3 विच इज़ 12/3, तो ये फुल्ली डिवाइड हो रहा है। सो x इक्वल टू 2 इज़ दी सॉल्यूशन। क्योंकि हमें पता है GCD 1 है तो इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, तो हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू 2 होगी। इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर विच x इक्वल टू 2। क्लियर है। इस तरीके के यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, विच इज़ दी साइमल्टेनियस कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो, ठीक है। अब इसमें क्या है, वी हैव मोर देन वन लीनियर कॉन्ग्रुएंस। सो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, फॉर साइमल्टेनियस कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो एंड वी हैव मोर देन वन लीनियर कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो एंड फॉर विच वी हैव टू फाइंड एक्स मीन्स सॉल्यूशन साइमल्टेनियसली फॉर साइमल्टेनियस कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एंड वी हैव मोर देन वन लीनियर कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एंड फॉर विच वी हैव टू फाइंड एक्स साइमल्टेनियसली फॉर ऑल इक्वेशंस, ठीक है। तो इसमें x की वैल्यू हमारे को सबके लिए फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। इसका एग्जांपल कैसे होता है, ax(BM)n cx(D)(n) फिर इसी तरह से dx(EN)। यहाँ आप n1, n2, n3 करते, इस तरीके के सो ऑन आपको इस तरीके के यहाँ पे फॉर्मेट दिखाई देते हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल इसका देखो किस फॉर्म में होगा, x=1(3), दूसरी लीनियर है x=2(4). इसका हमें x0 सॉल्यूशन निकालना है। ध्यान रखो कि GCD जो है ना आपका 1 और 3 का और 1 और 4 का, वो 1 ही आ रहा है, ठीक है। GCD 1, 3 का, 1, 4 का, आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, इसके पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। इतना तो समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करोगे तो यू हैव टू राइट इट लाइक दिस, x=3k+1 एंड y=4k+2। यहीं से निकाल लो, इसको मैंने तुमको लिखने का तरीका बताया था। x-2/4, x की वैल्यू डालो तो आंसर मिल जाएगा। दिस इज़ वन वे टू राइट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और नहीं समझ में आता सो वी कैन ऑल्सो राइट 4 times ऑफ समथिंग, सो 4k+2=x। तो यहाँ से भी k की वैल्यू डाल के आप सॉल्यूशन x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है, ऐसे लिखा है, क्लियर है। तो मैं इस बार ये वाली वैल्यू यूज़ कर ले रही हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसको यूज़ कर रही हूँ। अब ध्यान से देखो, हमें यहाँ पे पता है कि मॉड्यूलो 3 और 4 आ रहा है, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 12 से अंदर ही जो सॉल्यूशन होगा, इट शुड बी इनसाइड 12 के से लेस देन वैल्यू होगी सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन यूनिक एग्जिस्ट करेगा। सो वी गेट 2 points, द सॉल्यूशन शुड बी लेस देन 12 एंड द सॉल्यूशन शुड बी लेस देन 12 एंड सॉल्यूशन शुड बी यूनिक। अब वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ उसमें पुट करते जाइए, सॉल्यूशन फाइंड करते जाइए, आपको एक कॉमन सॉल्यूशन मिलना चाहिए, दैट इज ओनली द आंसर। सो के की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, 0, तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल रही है, इसको मैंने यहाँ y लिखा है तो इसको y ही लिख लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। सो इट विल बी लाइक, ध्यान से देखो, यहाँ पे 0 पुट कर रही हूँ तो 1 आ गया, और यहाँ पे 0 पुट कर रही हूँ तो यहाँ पे आ गया 2। सो y की वैल्यू हो गई 1, x की वैल्यू हो गई 2। अब k की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करोगे 1, सो x की वैल्यू क्या होगी, 3+1 4, और y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4+2 6, ठीक है,
फोर प्लस टू सिक्स, नौ के की वैल्यू आउटपुट करोगे टू, सो इट विल बी थ्री टू ज़ा सिक्स प्लस वन सेवन, सो एक्स इक्वल टू सेवन, और वाई की वैल्यू हो जाएगी फोर टू ज़ा एट प्लस टू इज़ टेन। इसी तरीके से नेक्स्ट के की वैल्यू थ्री पुट करेंगे, सो एक्स की वैल्यू हो जाएगी नाइन प्लस वन टेन, और वाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन। सो वाई की वैल्यू तो हो गई देखो फोर्टीन, फोर्टीन तक तो जाना ही नहीं है हमें, एक्स की ये तीन वैल्यू और वाई की ये दो वैल्यू को कंसिडर करना है। तो जो हमारे पास कॉमन वैल्यू आ रही है, जो कॉमन वैल्यू आ रही है विच इज़ योर एक्स इक्वल टू टेन एंड वाई इक्वल टू टेन, सो इन तीनों में हमें जो कॉमन वैल्यू मिली है विच इज़ एक्स इक्वल टू टेन एंड वाई इक्वल टू टेन, विच इम्प्लाई दैट दिस इज़ द कॉमन सॉल्यूशन, विच इम्प्लाई दैट दिस इज़ द यूनिक सॉल्यूशन फॉर दिस साइमल्टेनियस मॉड्यूलो विच इज़ 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10। अब आते हैं नेक्स्ट पे, अभी हमारे पास दो इक्वेशंस थी साइमल्टेनियस, अब हमारे पास अगर तीन इक्वेशंस हैं तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में हमें क्या कहा जाता है ना, इफ़ यू हैव मोर देन थ्री इक्वेशंस और थ्री इक्वेशंस तो वी हैव टू यूज़ इट। जैसे x इज इक्वल टू ए मॉड्यूलो एन वन, एक्स इक्वल टू बी मॉड्यूलो एन टू, एक्स इक्वल टू सी मॉड्यूलो एन थ्री। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एन वन एन टू एन थ्री लेके चले, तो हमें सबसे पहला स्टेप ये तीनों होने चाहिए। नेक्स्ट स्टेप m फाइंड करना है विच इज़ प्रोडक्ट ऑफ एन वन एन टू एंड एन थ्री। ठीक है, तीसरा स्टेप हमें कैपिटल M के फाइंड करना है विच इज़ स्मॉल m अपॉन n वन, एम वन हो जाएगा, एम टू इज़ m अपॉन एन टू, एम थ्री इज़ m अपॉन एन थ्री। तो यहाँ से हमें एम वन एम टू एम थ्री मिल जाए। एम के एक्स इक्वल टू वन मॉड्यूलो एन के, मतलब ये एन वन एन टू एन थ्री एम के। ठीक है, क्लियर है, एम के एक्स इक्वल टू वन मॉड्यूलो एन के। फिफ्थ पॉइंट आएगा हमारा फाइंड बी, इसको सॉल्व किया तो हमें सॉल्यूशंस मिलेंगे, वो सॉल्यूशंस हमारे बनेंगे बी वन बी टू बी थ्री, क्योंकि यहाँ से तीन इक्वेशन बनेंगी, एम वन एक्स इक्वल टू वन मॉड्यूलो एन वन, एम टू एक्स इक्वल टू वन मॉड्यूलो एन टू, फिर यहाँ पे आएगा एम थ्री एक्स इक्वल टू वन मॉड्यूलो एन थ्री। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में बी वन बी टू बी थ्री मिलेंगे। अब हम फाइंड करेंगे एक्स जीरो सॉल्यूशन, x0 जो हमारा सॉल्यूशन होगा, x0 जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो बनेगा a1 वन डॉट बी वन डॉट एम वन, फिर a2 टू बी टू एम टू, फिर a3 थ्री बी थ्री एम थ्री। इससे आपको x0 की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, समझ में आए? तो ये आपका हो गया चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के पॉइंट्स, आप चाहें तो लिख सकते हैं। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर that gives remainder 1, 2, 3 when divided by 3, 4, 5। ये आपका क्वेश्चन है, आपको क्या निकालना है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालना है विच इज when divided by your 3, 4, 5। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, इक्वेशन बनाइए, रिमाइंडर क्या है 1, 2, 3 और डिवाइडेड बाय 3, 4, 5। तो बनाएंगे लीनियर इक्वेशंस तीन, क्या बनेंगी, x इज इक्वल्स टू वन वन मॉड्यूलो थ्री, नेक्स्ट x इक्वल टू टू मॉड्यूलो फोर, देन x इक्वल टू थ्री मॉड्यूलो फाइव। ठीक है, ये तीन बनेंगी, क्लियर है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, ए वन की वैल्यू वन, ए टू की वैल्यू टू, ए वन बी वन ए वन, ए वन की वैल्यू हुई वन, ए टू की वैल्यू हुई टू, और ए थ्री की वैल्यू हुई थ्री। ये सबको समझ में आ गया, ए वन ए टू और ए थ्री, इसकी वैल्यू हुई थ्री। अब यहाँ पे हम लिखते हैं ये एन जो हमने बनाया था एन वन विच इज़ थ्री, एन टू विच इज़ फोर, और एन फाइव विच इज़ इक्वल टू फाइव। ठीक है, या अब हमें निकालना है एम के, एम के की वैल्यू क्या होती है, एम जो एम क्या होगा, एन वन डॉट एन टू डॉट एन थ्री। ठीक है, एन वन डॉट एन टू डॉट एन थ्री, इसको इधर लिख देते हैं, एम इज इक्वल टू एन वन डॉट एन टू डॉट एन थ्री विच इज़ योर थ्री डॉट फोर डॉट फाइव, सो ट्वेल्व फाइव ज़ा इज़ सिक्सटी। एम के आपका होता है एम अपॉन एन के, कैपिटल कैपिटल एम वन विच इज़ इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन एन वन, कैपिटल एम टू विच इज़ स्मॉल एम वन अपॉन एन टू, कैपिटल एम थ्री विच इज़ स्मॉल एम अपॉन एन थ्री। तो ये आया था 60 अपॉन थ्री, दिस इज 60 अपॉन फोर, दिस इज 60 अपॉन फाइव, सो ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा आपका 15, और ये आ जाएगा आपका 20।
सो M1 आपका हो गया 20, M2 आपका हो गया 15 और M3 आपका हो गया 12. A1 था 1, A2 था 2 और A3 था आपका 3. ये हो गया. अब हमें चाहिए B1, B2 और B3. जब ये सब मिल जाएंगे तब हम अपना X0 लिख सकते. हमें क्या बनाना है, ये सब होने के बाद अब वी हैव टू वर्क फॉर मॉड्यूलो के 3 सैमल्टेनियस न्यू इक्वेशंस. सो वो कैसे बनेंगे, MKX=1 मॉड्यूलो N1 या NK लिख लो. ठीक है, तो पहली क्या बनेगी, M1X=1 मॉड्यूलो N1. यहाँ पे देखो ये है N1, N2, N3, 3, 4, 5. ठीक है, सो अब यहाँ पे आ जाते हैं. सो यहाँ पे ये बनेगा MK=1 मॉड्यूलो N1. सो M1 की वैल्यू हमने अभी देखी 20 है, सो यहाँ पे 20 डाल देते हैं. सो 20X=1 मॉड्यूलो N1 इज 3. सो 20X-1/3. इस तरीके से यू कैन एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो अब आप ध्यान से देखो इसमें खुद ही आप क्या लिखोगे. सो यू कैन राइट x=2. सो ये कितना बन जाएगा, 20-1/3, तो 19x की वैल्यू 1 के लिए तो आंसर नहीं आएगा. x=2 डालोगे सो 40-1/3 इज 39/3. यस, सो x=2 इज सॉल्यूशन. तो हमें पहला सॉल्यूशन मिला x=2. ठीक है, सो ये आपका बन गया x=2. सो ये जो सॉल्यूशन है, मैंने अभी आपको बताया कि इनके सॉल्यूशंस हम b1, b2, b3 से दिखाएंगे, है ना. तो यहाँ पे x की वैल्यू जो 2 है किसकी वैल्यू बनी है, b1 की. नेक्स्ट बनाते हैं M1 का बन गया ना, आप M2 का बनाते हैं. M2X=1 मॉड्यूलो 4. M2 कितना है, 15. 15X-1/4. X की वैल्यू 1 डालिए तो 14-4 सॉल्व नहीं होगा. X=2 डालिए तो 30-1/4 सॉल्व नहीं होगा. X=3 डालिए देन 45-1/4, 44/4, करेक्ट, X=3 इज द आंसर. सो ये X=3 जो बना है ये आपका B2 बना है. तो हमें B1 की वैल्यू कितनी पता चली, इसको इरेज कर देते हैं. ये था 1, ये था 2 और ये था 3. B1 की वैल्यू मिली हमें यहाँ पे 2 और ये मिली थी, और B2 की वैल्यू हमें यहाँ पे मिली 3. ठीक है, इसी तरीके से B3 की वैल्यू फाइंड करेंगे. B3 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, M3X=1 मॉड्यूलो 3, 4, 5 वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, सो M3 की वैल्यू हमारी क्या निकली है, देखिए M3 की वैल्यू मिली है 12. सो इट इज़ 12X=1 मॉड्यूलो 5. सो 12X-1/5. ठीक है, तो अब इसमें आप वैल्यू डाल के देखोगे तो करो 5 वैल्यू डालो. 12 इंटू एक्स की वैल्यू 1 डालोगे तो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि 12-1 11 डज 5 डज नॉट डिवाइड्स 11. एक्स की वैल्यू 2 डालोगे सो 24-1 23 को 5 डिवाइड नहीं करेगा. X=3 डालोगे सो ये आया आपका 35/5. 5 7 ज़ा सो X=3 इज़ द आंसर. तो ये क्या बन जाएगा, B3. अब आगे वाले पेज में आपके पास सब कुछ है, तो यहाँ पे आ गया 3. अब मैं ये सारा इरेज कर देती हूँ. I'll just erase. तो देखो आपने अब सारी वैल्यूज़ निकाल ली, विच इज़ योर, आपके पास A1 आ गया, A2, A3, B1, B2, B3, M1, M2, M3. अब हमारा आंसर होता है X0. X0 किसके बराबर होता है, X0 इज़ द प्रोडक्ट ऑफ A1, B1, M1 प्लस A2, B2, M2 प्लस A3, B3 और M3. सो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या आएंगी, यहाँ से लिख देते हैं. सो ये आया 1.2, यहाँ से उठा रही हूँ, और ये 20 प्लस A2=2.3.15 प्लस 3.3.12. ठीक है, सो व्हेन यू सॉल्व इट योर आंसर इज 238. अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं, तो X=X0 मॉड्यूलो स्मॉल m देखिए क्या था, ये था N1, N2, N3. कितनी वैल्यू थी इसकी, 60, है ना. सो ये है X=X0 मॉड्यूलो स्मॉल m. सो X=238 मॉड्यूलो 60. अब आप 60 से इसको डिवाइड करो, 238/60, आपको रिमाइंडर मिलेगा 58. तो हम ये लिख सकते हैं, सो योर सॉल्यूशन इज़ X=58 मॉड्यूलो 60, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर. ठीक है, क्लियर है, दिस इज़ योर फाइनल आंसर, क्लियर है. सो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया
स्टार्टिंग में आते हैं। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो क्या होता है, कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो को डिस्कस किया डिटेल में, इसकी डेफिनेशन करी, इसके दो प्रॉपर्टी करी, इसका एग्जाम्पल किया कि कैसे सॉल्यूशन की वैल्यू निकालते हैं, पहला एग्जाम्पल किया। इसका दूसरा एग्जाम्पल यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है, मोर देन वन सॉल्यूशन कब मिलते हैं, इंस्पेक्शन मेथड कैसे करते हैं। इसके बाद साइमल्टेनियस कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो एन पे काम किया। इसके बाद यहाँ पे हमने दो साइमल्टेनियस में दो लीनियर वाली इक्वेशंस, मतलब साइमल्टेनियस में दो इक्वेशंस जब दी हो तब यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकलता है वो बताया। इसके बाद जब दो से ज़्यादा तीन इक्वेशंस आपके पास आ जाएँ तो आप चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम कैसे लगा सकते हो डिटेल में, मैंने ये भी आपको डिस्कस करके एक एग्जांपल के थ्रू बताया। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हो और ये कंटेंट समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ इसके नोट्स बनाइए और इसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई आगे करिए। और मैं अब अपने चैनल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ भी स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें आपको सारे टॉपिक्स का IIT JEE का, गेट का, CSIR नेट का, CUET PG के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी हर दिन मिलेंगे। तो जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप यहां पे आके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो जो मैं नोट्स बना रही हूँ ये आपको धी लर्न एंड ग्रो में मिल जाएंगे। धी लर्न एंड ग्रो मेरी ऐप का नाम है, यहाँ पे जाके आप ये नोट्स ले सकते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।